कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आप ये देख रहे हैं बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा प्लांट, देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है और किस तरीके से फैला हुआ है। जो ये प्लांट है बेबी रोज प्लांट, बेबी सन रोज प्लांट, इसको बेबी सन रोज प्लांट कहते हैं। इसको बेबी सन रोज प्लांट इसलिए कहते हैं, जो इसके फ्लावर्स आते हैं ना वो सन की तरह होते हैं। जैसे सन हम बचपन में बनाते थे उसकी साइड तीर निकाल के, उसी शेप में इसके फ्लावर्स आते हैं। अभी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं इसमें, सिर्फ अभी कल खिल जाएगा ये फ्लावर। उस शेप में इसके फ्लावर आते हैं इसलिए इसका नाम बेबी सनरोज प्लांट है। और ये जो प्लांट है ये सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्लांट जो सेकुलेंट फैमिली का होता है उसमें ऑलरेडी उनकी लीव्स में इतना पानी होता है कि उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम बात करेंगे इस प्लांट की केयर की, कि इसको कैसे प्रोपगेट करते हैं, इसकी केयर कैसे करनी है और किन खास बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका जो प्लांट है इस तरीके से ग्रो करे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट है बेबी सनरोज प्लांट है, ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। तो बात कर लेते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स की। ये बहुत हार्डी प्लांट है। एक बार आप इस प्लांट को ले आइए, आप इसमें से ढेरों प्लांट बना लेंगे। और इतना खूबसूरत प्लांट है ये कि आपके साथ ना सालों साल बना रहेगा। अगर आप इसकी केयर करेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये प्लांट काफ़ी टाइम तक आपके साथ बना रहेगा। ये देखिए, ये जो पूरी बास्केट है, मैं आपको पूरी बास्केट दिखाती हूँ, साइड वाली हटा देती हूँ। ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए। जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी, इसको मोस्टली एक या डेढ़ साल हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस प्लांट को। जब मैं नर्सरी से लाई थी तो जो इसकी सिर्फ इतनी थी ये जो लीफ, मैं इतना बता दूँ, सिर्फ इतना दिख रहा है आपको, इतना ही लगा हुआ था, इतना ही मैं लाई थी जब मैंने इसको बास्केट में लगाया था। ये बास्केट ना टूट गई है, बंदरों ने गिरा दी थी ना, तो ये बास्केट भी मेरी टूट गई है। अब मैं इसको नीचे इसी तरीके से रखूँगी अलग से, ये तो बंदरों ने तोड़ दी है। तो ये जो है ये मेरी कहते ना मदर बास्केट है, जिसमें से मैंने और भी बहुत सारी बास्केट्स बहुत सारे पॉट में इसको रिपोर्ट कर लिया है। और ये देखिए इसमें भी मैंने इसको लगा रखा है, इसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आप इसकी प्रोनिंग करते रहेंगे ना तो ये और अच्छे से बुशी बनेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम पे, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है ये प्लांट। और समर सीजन में तो ये बहुत और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो इसकी मैं आपको बता रही थी पॉटिंग मिक्स की, पॉटिंग मिक्स इसमें कैसी रखनी है। पॉटिंग मिक्स में आपने इसमें, अगर आप बास्केट में लगा रहे हैं तो आपको कोकोपीट तो ज़रूर लेना पड़ेगा। आप इसमें कम से कम उसमें 50% कोकोपीट लीजिए, 20% आप इसमें लीजिए गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 10% इसमें आपको कंपोस्ट लगाना है। तो आप इसमें कंपोस्ट लगाइए। मैंने इसको ना कोकोपीट में इसमें लगा रखा है इसको, ताकि बास्केट हैवी ना हो और ज़्यादा पानी को भी होल्ड करके ना रखे। कोकोपीट क्या है, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्लांट की रूट्स में पानी होल्ड नहीं रहता। तो अगर ये जो प्लांट है ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है, तो इसको पानी आपको हफ्ते में दो या तीन बार इसको पानी लगाना है, वो चेक करने के बाद कि इसकी सॉइल में कितना मॉइस्चर है। अगर मॉइस्ट है सॉइल तो ज़रूरत नहीं है, और अगर इसकी सॉइल सूख गई है तो इसमें पानी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इस बास्केट में मेरी सॉइल बिल्कुल ना सूख गई थी, मैं जस्ट अभी इसको मैंने पानी लगाया है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग करने पे आपके जो प्लांट्स हैं या उसके लीव्स ख़राब होने लगते हैं। देखो जैसे कि ये अब बारिश हुई थी तो ये बास्केट बाहर थी, तो इसकी वजह से ना ये गलने लगते हैं इस तरीके से, दिख रहे हैं तो ये गलने लगते हैं। तो इनको आपको निकाल देना है, ताकि क्या होता है कि और भी लीव्स की ग्रोथ में ये और भी लीव्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो इनको आप जो भी इस तरीके से सूख जाए या गल जाए तो उनके लीव्स को आप निकाल दें, ठीक है। और रही बात इसकी सनलाइट की, इसको आप, ये बेबी सनरोज प्लांट है, इसको सनलाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शेडी एरिया में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता। शेडी एरिया में इसकी लीव्स तो ग्रो करेंगी, प्लांट तो ग्रो करेगा, बट इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है। एटलीस्ट इसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। देखिए इसमें ना कल फ्लावरिंग हो जाएगी, मतलब 4 से 5 घंटे इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपको रखना ही रखना है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, इस पर फ्लावरिंग भी होगी। इसमें और भी वैरायटीज़ आती हैं, वेरीगेटेड लीव्स वाली वैरायटी भी आती है, अगर आपको वो मिले तो वो भी ज़रूर लगाइएगा। नर्सरी में यही अवेलेबल था तो मैं यही लेकर आई। इसमें और भी फ्लावर्स कलर के आते हैं, जैसे कि मेरा जो है फ्लावर्स ये मैजेंटा कलर वाला है,
इसमें रेड कलर के फ्लावर्स का भी आता है, येलो कलर के फ्लावर्स की भी ये वैरायटी आती है। मेरे पास फिलहाल अभी एक ही वैरायटी है। अगर आपकी नर्सरी में आसपास मिले तो आप ज़रूर इस प्लांट को लगाइए, बहुत हार्डी प्लांट है और ऐसे प्लांट तो हमेशा लगाने चाहिए घर में जो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाए। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी एक स्टेम तोड़ के किसी भी पॉट में आप इसको डाल दें और इसकी पॉटिंग मिक्स का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, सैंड होना चाहिए, कंपोस्ट होना चाहिए और गार्डन सॉइल होना चाहिए। बास्केट में लगा रहे हो तो कंपोस्ट भी होना चाहिए, बाकी किसी भी पॉट में किसी भी तरीके से चल जाएगा। इसका पॉट वेल ड्रेन होना चाहिए, मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसको मॉइस्चर, मतलब इसको बिल्कुल मॉइस्चर पसंद नहीं है कि मेरी इसमें होल्ड होके रहे वाटर, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसकी लीव्स ख़राब होने लगती हैं क्योंकि सेकुलेंट प्लांट है, ऑलरेडी इसकी लीव्स में इतना वाटर रहता है, तो इसलिए इसकी वाटरिंग का आपको ध्यान देना है। वेल ड्रेनेज होना चाहिए आपका जो पॉट है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हार्डी प्लांट है, आराम से ग्रो करता है, लंबे टाइम तक आपके साथ बना रहता है। मेरे देखिए बास्केट में कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो ये रही दोस्तों बेबी सनरोज की। और हाँ, इसमें ये जो प्लांट है इस पर जैसे कि इंसेक्ट्स का अटैक मोस्टली होता नहीं है। अगर इसमें इंसेक्ट का अटैक आपके प्लांट पे हो जाए, मिली बग का अटैक, तो आपको सिंपली नीम ऑयल का स्प्रे करना है, या नहीं तो फिर आप जो मैं आपको एक बताया होगा मेरी पुरानी वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा कि मिली बग का किसी भी प्लांट पे अटैक है तो उसको कैसे रिमूव करना है। आपको उस पर क्या करना है कि शैम्पू का जो एक चम्मच आपको शैम्पू लेके 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है, देन उसका स्प्रे बना के जहाँ भी मिली बग है 1 वीक तक आपको कंटिन्यूअसली उस पर स्प्रे करना है, तो इस पर कोई भी इंसेक्ट या मिली बग का अटैक नहीं होगा, वो सब रिमूव हो जाएगा। मोस्टली होता तो नहीं है, इफ इनकेस हो जाए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बस ये रही बात बेबी सनरोज की। फर्टिलाइजर इसका, जब आप इसकी पॉटिंग मिक्स बनाते हो तो जब आप उसमें अच्छा खासा कंपोस्ट लगा देंगे तो 1 साल तक तो आपको इसको कोई कंपोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप इसमें महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर आप 3 या 4 महीने में वर्मी कंपोस्ट या बोन मील कोई भी इसमें कंपोस्ट आप लगा सकते हैं। और इसकी फ्लावरिंग के लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, चाय पत्ती जो होती है, चाय पत्ती को आप या तो फ्रेश चाय पत्ती को पानी 1 लीटर पानी में घोल के इसकी पॉटिंग में डाल दी चाय पत्ती, या जो आपकी यूज्ड चाय पत्ती होती है उसको सुखा के फिर उसको पानी में घोल के 1 दिन रख के उसका स्प्रे आप इस पर करें, तो भी इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इसकी ग्रोथ वाकई देखिए, मैंने वैसे ही किया, मेरी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है, एकदम पूरी बास्केट भर गई है और उसमें से मैं कटिंग कर करके और भी बास्केट्स में लगाऊंगी। तो दोस्तों यही रही बात बेबी सनरोज की। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको रह गई है या आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में अगले प्लांट के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।